हे फ्रेंड्स, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज आपको मेरी आवाज थोड़ी बदली बदली सी लग रही होगी, है ना? काफी दिनों से तबीयत थोड़ा खराब चल रहा है और इसी कारण आवाज भी थोड़ा सा बदल गया। और ये भी एक कारण है कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही। तो काफी लंबा गैप हो गया इसी कारण। क्या करें, चलता रहता है। वैसे कहाँ से शुरू करूं समझ नहीं आ रहा। कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन शुरुआत कहाँ से करूं? वीडियो लेट होने का एक कारण तो तबीयत है और दूसरा कारण कभी कभी हिम्मत थोड़ा जवाब दे देती है, लेकिन फिर भी मैं अपना कोशिश नहीं छोड़ूंगी। चाहे कोई मुझे कितना भी लेग डाउन करे, मैं अपना हिम्मत नहीं हारने वाली। किसी से क्या लेना देना, मेरे इस बात का कोई गलत अर्थ ना निकाले। मन की शांति, अपनी खुशी, ये सब अपने अंदर होता है, कहीं बाहर से नहीं आता। इसीलिए मैं अपना हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं हारने वाली। भले ही थोड़ा गैप रहे लेकिन वीडियो तो मैं बनाऊंगी ही। खैर छोड़िए, अगर आप ओडिशा से हैं तो आपको शीतल षष्ठी के बारे में जरूर पता होगा, और अगर आप ओडिशा से नहीं हैं तो ये बता दूं कि ये जो शीतल षष्ठी होता है ये ज्येष्ठ महीने में सावित्री अमावस्या के 6वें दिन आता है, मतलब कि ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी। इस दिन महादेव और पार्वती का विवाह संपन्न होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे मामा जी ने मंदिर बनवाया है गांव में, तो इस बार वहाँ शीतल षष्ठी का प्रोग्राम भी रखा था लेकिन तबीयत के चलते मैं नहीं जा पाई। लेकिन हाँ, मौसी लोग तो गए थे और उन लोगों ने कुछ वीडियोस बना के भेजा है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। वीडियो के अंत तक जरूर देखना। वैसे मैंने मंदिर प्रतिष्ठा वाले वीडियो भी बनाया था और आपने तो देखा ही होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये वीडियो देखने के बाद मंदिर प्रतिष्ठा वाले वीडियोस भी देख लीजिएगा। और आप मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में भी जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट करिएगा, नहीं तो मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक कैसे पहुंचेंगे? तो इसीलिए एक सब्सक्राइब तो करना बनता है और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर करना, उनको भी बोलना कि सब्सक्राइब कर लें।
प्रोजेक्ट आगे भी विचार संध्या टाइम में नहीं बढ़िया ना ऐसा होगा आई मैं नहीं ना तुम क्या लगी हो क्या क्या बताइएगा कहाँ आके तो फोन कर दीजिए नहीं उठा लेते Thank you.
फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, और तब तक के लिए जय श्री राम। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो तब तक के लिए Bye.